मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करना चाहूंगी कि बाड़े हल्के में कई गांव जो है, चाहे वो जोजूकला हो, चाहे कलाली, बलाली, जावा, बदवाना, चिड़िया, मकड़ानी, बहुत सारे गांव है, कम से कम 15, मंदोला, मंदोली, गसोला, यहाँ पीने के पानी की बहुत ज्यादा भयंकर समस्या है। और गांव जो बाड़ा हल्का जो है वो बहुत रेतीला इलाका है, और जो बोरवेल लगाए हुए हैं और जमीन में पानी की जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है, पानी बहुत कड़वा है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगी, मांग करना चाह रही हूँ कि आप हमें पीने का पानी दे दो। आजकल तो दुनिया पानी के लिए प्योर लगा रही है जगह जगह। और बदवाना जो माइनर है, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बैठे हैं यहाँ, मैं आपसे कहूंगी कि जो बदवाना माइनर हमारी हर हफ्ते आती थी, आपने वो हफ्ते की बजाय 15 दिन और कर दी, तो पानी वैसे ही नहीं है स्पीकर सर। और पानी की कमी के होने के बाद में सारे तो जोर खाली पड़े हैं, बोरवेल जो है वो नहीं चल रही, मोटर्स जो है वो खराब है, पाइपलाइन खराब है। तो मैं तो आपके माध्यम से मांग करूंगी कि आने वाली गर्मी से पहले ये बाड़ा विधानसभा का कल्याण कर दो, पीने का पानी हमें मुहैया करवा दो। अध्यक्ष महोदय, जो गांव इस प्रश्न में जो दिए हैं, जोजूकला, इसकी जो आबादी फिलहाल 10,518 है, और ये फिलहाल 8 ट्यूबवेल से इसकी वाटर सप्लाई की जा रही है। ये बात ठीक है कि जो बाड़ा हल्के के जो गांव हैं, इनका जो ट्यूबवेल्स का वाटर लेवल नीचे जा रहा दिन प्रतिदिन, और जो क्वालिटी है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको नहरी स्कीम से जोड़ा जा रहा है, और ये जो नहरी स्कीम के लिए जो जल घर बना था वो थोड़ा सा जीर्णोद्धार स्थिति में है, तो उसका रेनोवेशन किया जा रहा है। और जब उसका रेनोवेशन हो जाएगा, इसका 556.00 लाख का जो एस्टिमेट डिपार्टमेंट के पास है, ये पास हो जाएगा, और इसके बाद इसका जो पानी की जो समस्या नहरी जल से जुड़ जाने के बाद ठीक हो जाएगी। इसी तरह बदवाना की जो पॉपुलेशन है वो 2,660 है, और ये कनाल बेस से जुड़ा हुआ है, और इसमें जो कनाल बेस से 1990 से चालू है, और इस घर में जो जल घर के जो पानी की दिक्कत थी, अब वो सतनाली फीडर से गांव बदवाना के अंदर नहरी स्कीम्स के तहत पंपिंग से इसमें पानी डाला जा रहा है, और अब ये पूरी तरह चालू है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह मैराना, इसकी पॉपुलेशन भी 3,559 है, और गांव मैराना में जल आपूर्ति 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, और दो गांव इसमें नाम तपातवा से मेहराना की जो सामूहिक नहरी आधारित जल आपूर्ति योजना है 1978 में चालू थी। इसके अलावा पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए मेहराना के अंदर एवं आसपास 4 ट्यूबवेल भी लगाए गए, किंतु इस क्षेत्र के अंदर जो रिचार्ज की जो है स्थिति वो आसपास कोई है नहीं, पानी का जो नेचुरल सोर्स है वो नहीं है, तो इसकी जो लेवल है वो भी नीचे जा रहा है, और जो इसकी गुणवत्ता वो भी कम हो रही है, तो इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन जो अब रिपोर्ट आई है उसमें पोर्टेबल दिखाया गया है। इसी तरह मंडोला, इसमें 2011 की जनसंख्या 2,718 और इस टाइम 3,316 है जनसंख्या, इसका भी जो है 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सप्लाई है, और ये भी कनाल बेस्ड आधारित है, 2010 से चालू हुई थी, किंतु गोड्रा माइनर का अंतिम छोर में जो पानी की जो गर्मी के टाइम में टेल के अंदर जो कमी हो जाती है पानी की, उसकी वजह से थोड़ी गर्मियों में दिक्कत आती है, इसलिए इनको भी गुणवत्ता के निरंतर कमी आने की वजह से इनको भी मापदंडों की सीमा, परंतु आने वाले समय में इसको सुधार किया जाएगा। इसी तरह सभी गाँव में सभी को 70 लीटर पर डे के हिसाब से पानी की सप्लाई दी जा रही है, और बाड़ा में 102 गांव हैं, जिनमें से फिलहाल 50 गांव में तो कनाल बेस है, और 52 गांव की स्कीम बनाई हुई है, और वो 3 स्कीम है इसके अंदर, एक मैडा समूह है जिसमें 6 गांव हैं, जिसका 1,772.35 लाख की जो राशि वो खर्च उसका काम चल रहा है, प्रगति पर है, और 31/12/22 तक वो पूरा हो जाएगा। इसी तरह सिरसली समूह है, उसके अंदर 12 गांव हैं, जिसके अंदर 3,622.75 लाख की जो योजना है वो चल रही है, और उसका भी 31/12/22 तक काम पूरा हो जाएगा। तीसरी स्कीम है निम्बर बड़ेसरा समूह, इसमें 34 गांव हैं, एक शहर है बाड़ा, इसकी भी 10
100 करोड़ की जो 100 करोड़ की लागत से इसका काम अलॉट हो गया है, लेकिन लैंड का इश्यू है और फॉरेस्ट का इश्यू है। जब ये सेटल हो जाएगा तो इसका काम एक साथ 2022 तक शुरू होने की संभावना है और 31/12/23 तक इसकी पूरी होने की संभावना है। जब ये प्रोजेक्ट पूरे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी उसके बाद कोई समस्या है तो जल जीवन मिशन के तहत सारा पूरा काम करवाएंगे। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि निमड बडेसरा जो प्लांट लग रहा है बड़ा, उसके लिए मैं कहूंगी कि फॉरेस्ट की हमें क्लियरेंस मिल गई है, पेपर्स वर्क पूरे हो चुके, पर ये जो प्रोजेक्ट है स्पीकर सर, ये तो साल लग जाएगा बनने में, चाहे वो सिरसिली का हो चाहे निमड बडेसरा का हो, तो एक साल तक लोग कोई बिना पानी के थोड़ा ना रहेंगे। जितने आप स्पीकर सर, मंत्री जी मैं आपसे एक बात कहूंगी कि जितना आपने पेपर में पढ़ के जो बताया है ना, ये सिर्फ पेपरों तक सीमित है। आप गाँव में जाके देखो, किसी गाँव में पानी की मोटर नहीं है, किसी गांव में पानी की पाइप नहीं है। अगर कहीं पाइप नहीं है तो मोटर है, मोटर है तो पाइप नहीं है। तो मेरा स्पीकर सर के माध्यम से आपसे आग्रह है, कमी होगी उसको सुधार, तो आप पीने का पानी मुहैया करवा दो।